अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मेरी अर्ली मॉर्निंग काफ़ी जल्दी हो गई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने का रूटीन हो गया है, तो उसी हिसाब से आज उठे हैं। और हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ्री हो चुके हुए थे और मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर बैठी हुई थी क्योंकि वेदर भी काफ़ी अच्छा था आज। यहाँ का फुल सनी डे था और आज यहाँ पे सैटरडे है, मेरे हस्बैंड जॉब पे गए हुए हैं तो आज हो सकता है वो भी जल्दी ऑफ लेकर आ जाएं। हैफ्सा हाय, आज मैं वीडियो साय सलाम करो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। गुड तो गर्ल। मैंने गिबन यस, साय शो किया। वाह, नाइस बटरफ्लाई, इट्स आई जस्ट लाइक योर या आई बटरफ्लाई। शॉट फ्रॉम हियर बट या आई जस्ट नाउ ही इज टायर्ड एंड आई डिडंट आयशा, आयशा लक, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। गुड वो जॉब। कोई बात करे उस्मान ही इज यासिर अंकल। ऐसे अंकल या नाम बोले वो ब्लैक शर्ट पे यासिर अंकल था। यस, मैं उससे बात कर लो नो, लेते डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर। ओके, वो स्ट्रेंजर नहीं है। मामा वो किससे बात कर ले। तो आज बच्चे घर पे थे इसलिए उन्होंने हर जगह मैस किया हुआ है, कहीं पे ब्रश फेंका हुआ है, कहीं पे शॉपर फेंका हुआ है, कहीं बैग। तो बच्चों वाले घर में तो आपको पता है यही सब कुछ चलता रहता है। और अब मैं आ गई थी किचन में और आज हमारा मूड था बारबेक्यू का, तो आज मैंने निकाली थी रिब्स। यहाँ पे जो है ना, रिब्स की कटिंग इस तरीके से होती है, इस तरीके से। और अब जो है, मैं इसको पपीता लगा के, सॉल्ट लगा के और थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के इसको रख दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने चिकन भी पानी में रखी हुई थी डिफ्रॉस्ट करने के लिए, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब मैं इसको बॉल में डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ लेमन। अब इसके अंदर ऐड कर लें नमक और अब इसके अंदर ऐड होगा थोड़ा सा ऑयल। और यहाँ पर जो है, मैंने इसके अंदर ही पपीता भी ऐड कर दिया और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप इसको चाहे तो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। मैं अभी इसे 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी। अच्छा, ये जो है बीफ के रिब्स हैं। तो अब जो है, मैं बच्चों को सिपारा वगैरह पढ़ा के फ्री हो चुकी हुई थी और आपको पता है ये भी एक जिम्मेदारी का काम है, बल्कि जिम्मेदारी का नहीं, बहुत ज़रूरी, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसको पढ़ना लाजमी है, कुरान नमाज, बच्चों को ये तरबियत लाजमी देनी चाहिए, आप चाहे जहाँ मर्जी रहते हो। तो इन्हें पढ़ाने के बाद जो है, अफसा और आयशा यहाँ पे प्ले कर रही थी, इन्होंने पूरी अपनी एक टॉय शॉप खोल रखी थी। ये अफसा ने अपना बेडरूम डेकोरेट किया हुआ था यहाँ पे और आयशा ने अपना रूम यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ था स्टेयर्स में, अपना ब्लैंकेट, पिलोस और टॉय सब यहाँ पे ला के रखे हुए थे। तो यहाँ पर बच्चे खेलने में मसरूफ़ थे और मैं अब लगाने लगी थी चिकन को मसर पर। मैंने ले ली है कुछ गार्लिक क्लोव्स, अब मैं इसको जो है पेस्ट बना लूँगी इसका। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी योगर्ट भी ऐड कर दूंगी। असल में मैं योगर्ट ऐड इसलिए करती हूँ क्योंकि चिकन बारबेक्यू थोड़ा ड्राई हो जाता है, इससे ये होता है कि थोड़ा जूसी जूसी सा बनता है। क्योंकि दही जो है ना, वो पानी रिलीज करती है, तो उससे जो है ना चिकन के अंदर थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, उससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मैं इस सब को अच्छे से मिक्स करके, जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते मैं तो उस टाइम तक के लिए छोड़ दूंगी। तो आप इसको जो है 1-2 घंटे के लिए मसाला लगा के रख दें। ये मैं किचन के लिए लग दाओ। नो तो यहाँ पर जो है, अब मैंने बारबेक्यू रख दिया था
ये मैंने पोटैटो बेक होने के लिए रखे हैं, मेरी रिब्स हैं और ये चिकन बारबेक्यू। बस मेरे हस्बैंड रास्ते में थे तो मैंने बनने के लिए रख दिया था इसे। और यहाँ पर जो है बच्चे अपना फुल ऑफ समर एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ से आयशा और हफ्सा वहाँ बैठी हुई है, ये अपने टॉयज के साथ प्ले करी। हफ्सा व्हाट्स दैट? I'm just making all the wines. Wow. So it can be all of families. All of families? Yeah, that's like us. Yeah. तो यहाँ पर मैं चाम पे रेडी थी, मैंने इसके अंदर चाट मसाला और लेमन डाल दिए। तो यहाँ पर जो है अब हम बारबेक्यू एंजॉय करने के बाद जा रहे थे आउटसाइड बच्चों को पार्क वार्क लेके। Oh, she wanted two sticks, a rubber band. She's like a beautiful. See? Just over here. Just say, hey, it's turning on my maker thing. Hello, I'm the maker. I do the maker. Oh, wait. Okay. She's taking your rubber band. तो यहाँ पर जो है हम बाहर से घूम घाम के आ गए थे, बच्चों ने कुछ शॉपिंग की थी टॉयस वगैरह की, तो बस अब इनका स्लीप टाइम हो गया था। मैं नहीं चाहती थी इनकी रूटीन ख़राब हो, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है फिर दो दिन में रूटीन ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने आते ही इन्हें घर पे लिटा दिया था। तो ये थी मेरी आज की फुल डे एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए व्लॉग में नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़। मम्मी मैं होटल मां बेसिक का अमर जो वॉइस करेगा।